खबर है सांगोद नगर पालिका चेयरमैन देवकी नंदन राठौर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। मृत गाय को घसीट कर ले जा रहे सफाई कर्मी को इन्होंने पीटा था। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से पिटाई का ये वीडियो भी कल दिखाया था। सांगोद थाने में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। राकेश भर समेत कई दलित नेता भी एकजुट हो गए हैं इस मामले को लेकर। तो देवकी नंदन राठौर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो जो कल सामने आया था, मृत गाय को घसीट कर सफाई कर्मी ले जा रहा था जिसे पीटा था सांगोद नगर पालिका चेयरमैन देवकी नंदन राठौर ने, और एक दो नहीं करीब एक दर्जन थप्पड़ जड़े थे। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से पिटाई का ये वीडियो दिखाया। सांगोद थाने में SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हुआ है और राकेश भर समेत कई दलित नेता भी एकजुट हुए। चलिए इसी पर बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी भंवर इस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, कल इस वीडियो को दिखाया गया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि गौ भक्ति तो करने का ये तरीका जो इन्होंने अपनाया कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और वो नजर आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, याद दिलाएं कि कल हमने ही एक्सक्लूसिवली इस खबर को ब्रेक करके बताया था कि किस तरह से नगरपालिका के चेयरमैन शरेरा इस तरह से गुंडाई करते हुए पाए गए हैं। वो वीडियो भी हमने ही ब्रेक किया था। आप देखिए मुश्किलें किस तरह से बढ़ी है नगरपालिका के चेयरमैन की। कल जिस तरह से हंगामा हुआ था उसके नतीजे के तौर पर SC/ST एक्ट में पालिका चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और साथ में राकेश भयो जो कि बूंदी के जिला प्रमुख रह चुके हैं और बड़े दलित नेता हैं हाड़ौती के, उन्होंने केशवराय पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। राकेश भयो फिलहाल सांगोद पहुंचने वाले, उनके साथ बहुत सारे दलित नेता हैं और दलित नामबंदी इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरे हाड़ौती में होती दिख रही है। तो पालिका चेयरमैन देवकी नंदन राठौर की मुश्किलें यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनके खिलाफ और भी सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने और मामले में त्वरित कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के दलित पूरी लामबंदी हो रही है दलित नेताओं की। तो जाहिर तौर पर जो मुश्किलें हैं देवकी नंदन राठौर की वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, तो मामला भी दर्ज हो चुका है, मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अब क्या नजर आ रहा है कोटा में, क्या सभी एकजुट नजर आ रहे हैं इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद जितने भी दलित नेता हैं? भंवर, देखिए श्वेता, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी और साथ में एक जनप्रतिनिधि जो नगर पालिका का चेयरमैन भी है उसकी नैतिकता का जो स्तर होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी का जो स्तर होना चाहिए वो भी कहीं कहीं स्तरहीन बता रही थी। आप देखिए एक मरी हुई गाय को सफाई कर्मी किसी खेत में लेकर डालने के लिए जा रहा है, वहां पर रोक करके अपनी दबंगई दिखाना, अपना हीरोइज्म दिखाना। आप देखिए किस तरह से कार से नीचे उतर रहा है पालिका चेयरमैन, आसपास उसके ही कुछ समर्थक और उसके गुर्गे खड़े हैं जो उसको उकसा रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं उसकी हरकत का, उसको लाइव कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और वो तड़ातड़ थप्पड़े दिए जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है श्वेता ये अपने आप को उत्तेजित करने वाली है और इसीलिए दलित लामबंदी देखने को मिल रही है। पालिका चेयरमैन से जब मैंने इस पूरे मुद्दे पर बात की तो वो भी अब कहीं कहीं बैकफुट पे, उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल चूंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोग उस सफाई कर्मी से, उस ठेकेदार से नाराज हो रहे थे तो मैंने उस सफाई कर्मी को वहां से निकालने के लिए केवल थप्पड़ मारने का अभिनय किया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि उनकी ये बात झूठी है और उनका ये झूठ और साथ में उनकी हरकत दोनों उनके लिए भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया भंवर आपका इस पूरी जानकारी के। तो मुश्किलें अब बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही सांगोद नगर पालिका चेयरमैन राठौर के।